जिला के प्रकोष्ठ अध्यक्ष है बिहार के और इस जिला के प्रभारी भी हैं और आप लोग के मान सम्मान के साथ कुमार पासवान के साथ यदि इस तरह की घटना घटी है तो सिर्फ कुमार पासवान के साथ नहीं घटी है, इस जिले के जितने भी कार्यकर्ता और पार्टी के सदस्य हैं सबके साथ वो घटना घटी है। इस मान सम्मान के साथ हम लोग पार्टी ऐलान करती है एक सप्ताह के अंदर दोषी पदाधिकारी जिस पर इन्होंने आरोप लगाया है दोषी पदाधिकारी को एक सप्ताह के अंदर निलंबित करके उस पर एफआईआर नहीं किया जाता है। एक सप्ताह के बाद हम लोग धरना और प्रदर्शन इस अरवल जिला में करेंगे। एक सप्ताह के अंदर यदि कोई कार्रवाई होती है तो एक सप्ताह के बाद तय हम लोग डेट करेंगे, आप लोग डेट तय करिएगा और एक विशाल प्रदर्शन करेंगे हम लोग और बिहार इस जिला को घेरने का काम करेंगे। यही कहकर हम लोग आज जा रहे हैं और एक सप्ताह का हम लोग समय दे रहे हैं सरकार को, एक सप्ताह के अंदर दोषी पदाधिकारियों को निलंबित कर तैयार करेंगे। सब लोग पार्टी के संगठनात्मक बैठक जिला कमेटी का है जिसके अध्यक्ष हमारे क्रांतिकारी साथी और नेता कुमार पासवान जी हैं जो यहाँ के प्रतिनिधि भी रह चुके हैं, मुखिया भी रह चुके हैं। यह बैठक मुख्य रूप से संगठन को मजबूत करने के लिए रखा गया है और संगठन के माध्यम से ही किसानों की समस्याओं को हम लोग हल कराने की कोशिश करेंगे कि उसका उचित मूल्य पर बीज मिल सके, उनके धान का उपज का उचित मूल्य मिल सके, बेरोजगार नौजवानों का जो रोजगार के लिए दर दर भटक रहे हैं वो मिल सके, शिक्षा का स्थिति जो बदहाल है वो सुदृढ़ हो सके, सिंचाई का जो साधन है वो अस्त व्यस्त है, समय पर पानी नहीं मिल रहा है, कहीं बाढ़ से लोग प्रभावित हैं, कहीं सुखाड़ से लोग प्रभावित हैं। इस सब सारे समस्या को लेकर इस बैठक को बुलाई गई थी और इस बैठक में सारी बिंदुओं पर चर्चा हुई और बात क्षण कराई और क्षण कराने के बाद इस जिला में एक बहुत बड़ा चीज़ मिला कि हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष कुमार पासवान जी को जो जन समस्या को लेकर हमेशा लड़ाई लड़ते रहते हैं इनको डराने और धमकाने के लिए प्रशासन के द्वारा सरकार के द्वारा इनके घर पर बिना सूचना के उत्पाद विभाग के द्वारा बेइज्जत करने के लिए बेइज्जत कर दिया जाए, लोगों में इनको बदनाम कर दिया जाए, उत्पाद विभाग के द्वारा छापेमारी करके और सर्च किया गया जिसमें कुछ बरामद नहीं हुआ। पूछा गया कि किसके आदेश पर हुआ है तो बोला कि यह आदेश पटना के आदेश पर हुआ है, हम लोग को सूचना मिली थी। अभी पटना में कौन आदेश दिया, कौन कहा कि सुकुमार पासवान को, जो सुकुमार पासवान के डर से इस जहानाबाद और अरवल में लोग भागा करते थे और वो सुकुमार पासवान मुख्य धारा में आकर लोगों को जोड़े और लोगों के साथ घूम रहे, फिर सुकुमार पासवान को आप लोग सोचते हैं कि जंगल में चले जाएं? ये हम लोग कभी नहीं होने देंगे, इस जंगल राज से मुक्ति दिलाएंगे और हमारी पार्टी आज घोषणा की है एक सप्ताह के अंदर दोषी पदाधिकारियों को विलंबित कर कार्रवाई नहीं होती है से सरकार को चेतावनी देंगे। यहाँ भी यदि सरकार नहीं सुनेगी तो इस आंदोलन को हमें पूरे बिहार में ले जाएंगे। क्या आपकी पार्टी विलय होने जा रही है लोजपा में? नहीं, हम लोग की पार्टी विलय नहीं होने जा रही है, हमारी पार्टी का जो विचारधारा है हमारे विचारधारा से चिराग पासवान जी का विचारधारा मिलता है और वो चिराग पासवान जिसके पिताजी 6-6 प्रधानमंत्रियों के साथ काम किए थे रामविलास पासवान जी, उनके मरने के बाद उनके साथ जो व्यवहार हुआ तानाशाही सरकार के द्वारा उनके घर के लोगों को तोड़ा गया, उनके पार्टी के लोगों को तोड़ा गया, किसी को केस मुकदमा का भय दिखाकर, किसी को लड़की के जाल में फंसा कर, किसी को मंत्रिमंडल का लालच देकर इनके पार्टी को तोड़ा गया, इस तरह के दुराचारियों से हम इस बिहार को मुक्ति दिलाने के लिए हमारे नेता डॉक्टर अरुण कुमार और उनकी पार्टी चिराग पासवान के साथ है और कदम से कदम मिलाकर इस जंगलराज से भी महाजंगलराज से छुटकारा दिलाने का हम काम करेंगे।